मायूस करने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन अपील लगातार यही है कि वोट का इस्तेमाल जरूर करें। रुक कर लेते हैं मऊ का, चार सीटें हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं संवाददाता। विवेक, आपके यहाँ केंद्र पर क्या स्थिति है, क्या वोटिंग परसेंटेज पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगा? बिल्कुल, वोट यहाँ पर पड़ रहा है और सुबह से ही लगातार सिलसिला जारी है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम बात करेंगे। ये बताइए, मऊ में क्या स्थिति है, वोटिंग की परसेंटेज बढ़ेगा कि नहीं? मऊ में शुरू में तो बहुत अच्छी वोटिंग पड़ी, हम लोग हर बूथ पे गए, अपने भी वोट हम लोग दे आए, लेकिन दोपहर के बाद वोटिंग थोड़ी सी धीमी हो रही है, जिसके कारण से लोगों का रुझान नहीं समझ में आता है कि क्यों इस तरीके का उन्होंने कर दिया है। किन मुद्दों पर पड़ रहा है? विकास के मुद्दों पर मेन है। मेनली यहाँ से जो भी विधायक हुए हैं वो अभी तक कोई विकास के नाम पर विकास दे नहीं पाए हैं, और विकास का मुद्दा ही सबसे अहम है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है, आज विगत 20 वर्षों से यहाँ इंस्टीट्यूशन के क्षेत्र में माने शिक्षा का कोई अच्छा संस्थान ही नहीं खुला, और यहाँ की जनता में सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि बुनकर है और जो है एक देहात से लोग आते हैं, बाहर जाना पड़ता है शिक्षा के स्तर पर। सरकार को जो भी बने, सर्वप्रथम तो यहाँ के MLA को इस क्षेत्र में सबसे पहले काम करना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे कोई कायदे के इंस्टीट्यूशन नहीं। आप बताइए और क्या मुद्दा है? मुद्दा बहुत है, जैसे विकास हुआ, विकास के साथ साथ शिक्षा हुआ, जैसे जो गार्जियन बच्चे को बाहर भेज कर पढ़ा रहा है, बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, यहाँ पढ़ाई की सुविधा नहीं। आप बताइए, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे जी। आप युवा हैं और बताइए क्या मुद्दा है यहाँ? यहाँ पे कोई अच्छे रोजगार नहीं है और अच्छे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है पढ़ाई लिखाई के लिए, और रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। आप क्या कहें? वही सेम, यही रोजगार और पढ़ाई के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे, कोई व्यवस्था नहीं है। होना चाहिए क्या? होना क्या, कुछ कुछ भी तो नहीं है। एक सामने एक ये इंस्टीट्यूट है यहाँ पे जो चलता है बस, और बाकी तो और यहाँ पे कुछ है नहीं जो होना चाहिए। एक मेडिकल कॉलेज नहीं, एक कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं। एक मेडिकल कॉलेज तो बनवाया है, कहाँ बनवा, अभी कहाँ बनवा, तमाम जगह बनवाया, यहाँ यहाँ नहीं है। यहाँ कोई एक कोई छोटा इंस्टीट्यूट तक नहीं है कि कोई बच्चे यहाँ पढ़ सकें, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लोगों को पढ़ने के लिए मऊ से बाहर हमेशा जाना पड़ता है, इसके लिए तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब की बार क्या कर रहे हैं अपने वोट की ताकत? हमने वोट डाला है, अब की बार अपनी वोट की ताकत है, अब सरकार बनी तो हो सके हो जाएगा। आप क्या कहेंगे बाबूजी? हम तो अपना वो पूर्वांचल जो है जात पात पर जो है जात पात पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर इधर उधर बिखर रहा है। मैं अपना पर्सनल वोट जो देश को बचाएगा उसके साथ मैं अपना वोट दिया हूँ। चलिए ठीक है, जात पात वाली बात कही आपने, तो पूर्वांचल क्या इसीलिए पिछड़ा हुआ? हाँ, इसीलिए अगर जात पात जिस दिन अगर जात पात मेरे पूर्वांचल से हट जाएगा, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। लेकिन वोट तो आप लोग जात पात के नाम पर ही देते हो? नहीं, इतना नहीं है। जात पात धर्म 25 साल से एक आदमी जीत रहा है, क्यों? बाहुबली भी उसको कहोगे, उसके खिलाफ बातें भी करोगे, लेकिन वोट उसी को। हाँ, ये जात पात का ही समीकरण जो बना हुआ है जात पात को लेकर, इसी में हम लोगों का वोट बिखर जाता है। इससे ऊपर क्यों नहीं आ पा रहा है पूर्वांचल? पूर्वांचल इसलिए ऊपर नहीं आ रहा है कि यहाँ राजनीति करने वाले जो हैं, जो राजनीति के मठाधीश लोग हैं, वो लोग फिर भी पूर्वांचल, ये पिछड़ा पूर्वांचल है, पूर्वी पूर्वांचल, यहाँ जात पात के ही नाम पे वोट जो है बांटा जाता है। देखिए विवेक, लोग समझते हैं, इस बात का जिक्र करते हैं, लेकिन फिर भी